जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 126 केंद्रों पर 50,125 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 42,151 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 7,974 लोग शामिल रहे, जिसमें 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, मेडिकल कॉलेज, एम्स तथा CSC PSC सहित 126 बूथों पर कोविड का टीकाकरण किया गया। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शुक्रवार को शासन द्वारा 35,000 के ऊपर टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शुक्रवार को शासन द्वारा 35,000 के ऊपर टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 50,125 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने जनता से अपील किया है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 21 लाख से ऊपर लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे ज़िले में 126 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। हमारा लक्ष्य जो है 35,000 से ज़्यादा का लक्ष्य है। गर्डी का सब्जी का टीकाकरण हो रहा है। हमारे ज़िले में 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे दोनों जिला अस्पताल महिला और पुरुष दोनों अस्पताल और CSC PSC के साथ साथ सब सेंटर्स पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है। जनता से अपील है कि टीकाकरण कोरोना को से लड़ने का एकमात्र उपाय है। लोग अपने अपनी बारी में टीकाकरण केंद्र पर आएँ और टीकाकरण कराएं। अभी हमने 21 लाख से ज़्यादा के लोगों का टीकाकरण कर दिया है। अभी स्टडी आई है कि जिन्होंने पहला डोज लगावा लिया है उनमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है काफ़ी डेवलप हो गई है और 86% लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई है। तो एक भी टीकाकरण अगर जिसका लग गया तो काफ़ी हद तक वो इस बीमारी से सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन पूर्ण सुरक्षण के लिए दोनों टीके की ज़रूरत है। तो जिनका दूसरा डोज छूटा हुआ है वो लोग भी अगर समय हो गया तो अपने केंद्र पर जाकर के टीकाकरण करा लें और कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। मास्क जरूर लगाएं। आजकल वायरल फीवर फैला हुआ है। वायरल फीवर को भी नियंत्रित करने के लिए हमें अगर मास्क लगाते हैं तो वायरल फीवर, कॉमन वायरल फीवर भी उसे नियंत्रण में आ जाता है, तो एक दूसरे से फैलने से बच जाता है। और गंदे पानी या दूषित पेयजल का इस्तेमाल ना करें। पानी को गर्म करके, उबाल करके, ठंडा करके पिएं। क्लोरीन की टैबलेट हमारे स्वास्थ्य विभाग बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को दे रही है। करीब 12 लाख से ज़्यादा का क्लोरीन टैबलेट हम लोग को बांट चुके हैं। तो जिसको भी आवश्यकता हो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर जाए। हमारी आशा NM के पास क्लोरीन टैबलेट है, उनसे लेकर के अपने घरों में क्लोरीन डाल करके और क्लोरीन का पानी सेवन करें, जिससे कि पेट की बीमारियां भी नहीं रहेंगी और जो सीजनल बीमारियां होती हैं उससे हम छुटकारा पाएंगे।